नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एलडीए सेक्टर सी से है, जहां दहेज लोभियों की पिटाई से एक विवाहिता की जान पर बनाई। विवाहिता की चीख पुकार की सुनकर पड़ोसियों ने उसे बचाने का प्रयास किया। वहीं विवाहिता के पति ने पड़ोसियों से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद गुस्साए पड़ोसियों ने विवाहिता के पति की धुनाई कर दी। ये घटना आज सुबह लगभग 6 बजे की है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जय जगत पार्क के पास रहने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर राम नरेश यादव ने पत्नी एवं बेटे संग मिलकर बहू की जमकर पिटाई की। विवाहिता की चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने विवाहिता के पिता को सूचना दे उसे बचाने का प्रयास किया, तो वही विवाहिता के ससुराली जन पड़ोसियों से भी हाथापाई पर उतारू हो गए, जिसके बाद विवाहिता के पति रोहित यादव के स्थानीय लोगों ने धुनाई कर दी। वहीं डायल 112 पुलिस लेकर पहुंचे विवाहिता के पिता ने स्थानीय लोगों की मदद से अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के चंगुल से मुक्त कराते हुए उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के न्यू गोरोड़ा निवासी आर्मी रिटायर्ड सुदर्शन यादव ने अपनी बड़ी पुत्री अनीता यादव की शादी विगत 16 फरवरी 2022 को कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित एलडीए सेक्टर सी निवासी यूपी पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर राम नरेश यादव के छोटे पुत्र 24 वर्षीय रोहित यादव से की थी। विवाहिता के पिता सुदर्शन यादव ने बताया कि बेटी के ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इसी क्रम में आज बेटी के पति, सास ससुर एवं ननद द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश की गई, किंतु पड़ोसियों ने मदद कर उसे बचा लिया। इस संबंध में विवाहिता के पिता सुदर्शन यादव ने कृष्णानगर थाने में लिखित शिकायत की। इस संबंध में कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में विवाहिता के पति, सास ससुर सहित ननद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। सुदर्शन यादव नाम है, हम न्यू गोड़ौरा कानपुर और लखनऊ शहीद पथ के बगल के रहने वाले हैं, और हमारा ये 16 फरवरी 2022 में शादी हुई है। लड़की की शादी यहाँ पर किया है, CMS के बगल एलडीए कॉलोनी में रोहित यादव के नाम से किया है। इनके पिताजी का नाम है राम नरेश यादव। ये 16 फरवरी 2022, तब से ये बहुत मतलब तंग करते रहे। रिश्ता बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया कि रिश्ता बच जाए। 3 साल से हमने बर्दाश्त करते रहा। अभी 3 दिन से छत पर दौड़ा के मारे पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि ये स्थिति इसकी ठीक नहीं है, बहुत बुरी तरह से मारे हैं। तब हमने पुलिस को बुलाया और पड़ोसी जो है इनका विरोध करके खड़ा हो गए। तब पुलिस के सामने भी इसको मारा और इसका सुबह आज बहुत मारा, छत पर दौड़ा करके, वही 6 बज रहा था, 6 बजे मारा, मॉर्निंग में 6 बजे। आप लोगों को क्या पड़ोसी पड़ोसियों ने सूचना दिया कि स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत बुरी तरह से पीटा है, तो पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस को लेकर के हम साथ पहुँचे और पुलिस के सामने भी बहुत मारा उसको, और रार लोहे के रार से मारा, एक पैर इसका फ्रैक्चर हुआ है और कोई अंग नहीं बचा है कि वहाँ पर निशान न बनी हो, और फिर यहाँ MRI हो रही है लोकबंधु में, CT स्कैन हुआ है, हालत उसकी बहुत ख़राब है, अभी ऑक्सीजन लगा है उसको। ऐसे में आप क्या कार्रवाई अब करेंगे? अभी हमें कार्रवाई करेंगे, इसकी जो है बहन है सबसे छोटी वो, और इसकी माँ और बाप और बेटा, ये 4 के नाम से हम कार्रवाई करेंगे। दहेज जितना भी कार्रवाई हो सकती है हम सब करेंगे, अब रिश्ता नहीं लग सकता। दहेज के मांग इनको हमने 9 लाख की गाड़ी दिया, उसके बाद डिमांड अभी 6 महीने के बाद इनका होने लगा कि हमें 20 लाख रुपये और दो, इनका लड़का करने लगा और उसमें इनका बाप भी सपोर्ट करने लगा कि हाँ 20 लाख रुपया दो, नहीं तो फिर जो है तुमको रखेंगे नहीं, ये देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है इसके हाथ साथ में। ऐसा सुनने में आया कि पिता जो है पुलिस विभाग में है, इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए हैं। इनके साथ में अभी भी हॉस्पिटल में भी 2-4 पुलिस वाले आए और इसको दाबने के लिए हमको धमकियां देना शुरू किए, लेकिन यहाँ प्रेस वाले लोग आ गए, इसलिए कुछ लोगों को देख करके वो भागना शुरू कर दिए लोग। मतलब इनके रिश्तेदार भी पुलिस में? हाँ, इनके रिश्तेदार भी पुलिस में हैं, लेकिन तो दबाव काफ़ी डाले हैं कि वर्दी के रूप से कि यहाँ पर कुछ कर ना पाएंगे, लेकिन आप लोग सहयोग रहेगा पब्लिक का तो हम कुछ करेंगे ज़रूर। आपके बेटे के ससुराली जन जो हैं, क्या शुरू से ही उनका यह रवैया रहा कि अभी इधर हाल में चल रहा? नहीं, 5-6 महीने से तो ये बहुत पनीर निकल रहे थे और दहेज के लिए ज़्यादा उकसा रहे थे, लेकिन हम देने के लिए कहें तो 2-4 लाख रुपये दे सकता हूँ, लेकिन तो 20 लाख की हम डिमांड नहीं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसको जो है सताना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अभी क्या पुलिस में है? नहीं, हम आर्मी में हैं, जैसे वो थे आर्मी से हैं।
घर में बंधक बना करके जो है 3 दिन से कंटिन्यू रखा है। मोबाइल लैपटॉप जो है आज 20 दिन से पूरा बंद किया है, मतलब कोई वो नहीं। और बोल रखा है कि शादी ब्याह हो, दशा बंधन हो, कुछ भी हो, आपको न बात करना है न जाना, किसी से कोई कंटेक्ट नहीं करना है बिल्कुल। ये आपकी बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी है। हमारे 2 बच्चे और हैं छोटे, एक लड़की और छोटी सी है, तो सब देखते हुए हमें ये सब सहना पड़ गया। 3 साल में कोई बच्चे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाम क्या है? फूलमती यादव। क्या हुआ? हमारे अनीता के ससुराल वाले दहेज के चक्कर में उसके मारे हैं, मार लटकाए हैं सब है। जितने कोशिशों को उसके अच्छे से जो मारा उसके अच्छे से अच्छे फांसी के सजाई देना। तो यहाँ उसको आप लोग लेके आए हो कि पुलिस लेके आई? नहीं, साथ में पुलिस भी आई थी, हमारे साथ में आए थे, लेकिन अब यहाँ आके दवा ववा करवा रहे हैं। बहुत मतलब मारे हैं, इतने मारे हैं कि मतलब हालत ख़राब है लड़की की। मुख्यमंत्री से कहना है कि रिक्वेस्ट है कि हमारे कि कड़ी से कड़ी सजा दे उसके जो मारा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।